गाइस देख सकते हो सामने का व्यू भाई, कितना अल्टीमेट व्यू लग रहा है। अभी तो भाई पूरी मतलब अंधेरा अंधेरा हो गया है, स्टार्ट करने भी नहीं आती अभी और चलाने की बात कर रही है। अली गाइस अभी हमें गाड़ी यहाँ पे रुकी है बिकॉज ये जो है दरापुरा है, यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं बिकॉज मेरे को दिख चुका है। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं और मेरी बहन दोनों। सो अभी भाई नई वाली टी शर्ट पहन ली है। कितने दिन से मैं और मेरे भाई साथ में नहीं जा रहे थे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज चलो साथ में कर लेते हैं। मैं रुक गई उसके लिए इसलिए आज हम साथ। हाँ तू मेरे लिए रुकी, कुछ भी बोल रही। चलो गाइस अभी बैग रेडी हो चुका है, अंधेरा अंधेरा है घर में तो पहले लाइट ऑन कर लेते हैं यहाँ से। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रील बनाने रुके थे तो वही रील तो बन चुकी है मस्त वाली, जो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो हमारी। मैं जा रही हूँ कि तू, हम लोग एक दिन ना गाइस अभी कैंपिंग करने का प्लान बना रहे हैं। मैं भाग रही हूँ, तू बताना मत किसी को, बता नहीं रही हूँ। जा भाग ले भाग ले भाग ले, तू पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। नहीं तू भाग जा, अबे तू मेरा बैग लेके किधर भाग रही है बट, अबे बैग तो दे दे, अबे मेरा बैग तो दे दे बट। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब अभी कंटिन्यू करते हो ड्राइव को। तो किंजू अभी आगे कंटिन्यू, नहीं मैं नहीं कंटिन्यू करती। नहीं तू चला लेना, नहीं ऐसा मत करो। अभी गाइस इसे मैं गाड़ी सिखा रहा हूँ तो ये सीख नहीं रही है, फिर कहेगा कि मेरे को सिखा नहीं रहा है ये वो। और आज मौसम भी बहुत अच्छा है तो बाय द वे चलो भाई अपन लोग चलते हैं, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं आगे का। सो गाइस अभी मैं संतुष्टि में बैठ चुका हूँ और मतलब आ चुका हूँ। ओके तो संतुष्टि में तो कब से पहुँच गए थे, अब फ्री बैठे तो सोचा व्लॉग बना दूँ। गाइस फ्रंट कैमरा का रिजल्ट बेस्ट आ रहा है या बैक कैमरा का, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को फर्स्ट मतलब फ्रंट में क्या हो रहा है कि ग्लो बढ़ रहा है और बैक में ना एकदम रियलिटी का मतलब चेहरा आ रहा है। ओके तो आप लोग कॉमेंट करके बताना भाई कौन सा रिजल्ट सबसे बेस्ट लग रहा है। ओके गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको ये देखो, जोमेटो के ऑर्डर थे और जोमेटो में ये देखो पहला 5 स्टार, सेकेंड 5 स्टार, थर्ड 5 स्टार और फोर्थ 5 स्टार। ओके फिर इसके नीचे 4 स्टार, मतलब भाई देख रहे हो कितना अच्छा, मतलब रेटिंग देखो यहाँ का कितना बेस्ट है, यहाँ पे दो दो एक साथ आए देखो। पावर ऑफ संतुष्टि देख रहे हो, हमारा काम हमारे काम इतना अच्छा है ना कि भाई 5 स्टार लोग रेटिंग करते हैं। ओ गाइस फ्रेश मैंगो का ऑर्डर आया आइसक्रीम का। ओके तो चलो फ्रेश मैंगो को निकालते हैं आइसक्रीम को और चलो ये पूरा ही निकाल देते हैं क्योंकि अंदर थोड़ा सा ही है ना तो निकलेगा नहीं जल्दी से। तो ये रहे संतुष्टि के कप और इन 3 कप को इसमें ले लेते हैं हम लोग। ये 3 ऑर्डर है ना, 3 आइसक्रीम ही है इसलिए कोई बात नहीं, ये 3 आ गया। और इसमें तो यार देखो एकदम फ्रेश मैंगो आइसक्रीम मैंने फिल कर दिया है, अभी इसके ऊपर ये कैप लगाते हैं। ओके तो देखो जोमेटो वाले भैया आ गए, तो मैंने वो आइसक्रीम रखा था फ्रीजर में यहाँ पे। ओके तो चलो इसमें से निकाल के दे देते हैं। गाइस अभी मैं फाइनली छूट चुका हूँ तो अभी मैं घर पे जा रहा हूँ। ओके तो चलो अभी चलते हैं घर पे। हे गाइस तो फाइनली अभी हम लोग घर पे आ चुके थे और घर से अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पे। तो यार नानी बुला रही थी तो सोचा चलो चलते हैं, तो मैं और मेरी बहन जा रहे हैं सिर्फ। ओके मम्मी पापा नहीं आ रहे, उनको कोई काम है इसलिए। तो चलो हम लोग गांव में जा रहे हैं तो गांव का थोड़ा टूर वूर देते हैं। हाँ। और अभी रास्ते में रुके सिर्फ व्लॉग स्टार्ट करेंगे। गाइस कंटिन्यू रहिएगा, आपको बहुत कुछ दिखाते हैं हम लोग। भाई इसे बोल रहा हूँ एक्टिवा चला ले, ले पकड़ मेरा फोन ले, जेब क्यों रह गई। गाइस इसे एक्टिवा आती नहीं फिर भी चलाने दे दी मैंने। इसे स्टार्ट करने भी नहीं आती अभी और चलाने की बात कर रही है। तो गाइस चलो चलते हैं, कौन हो तुम? सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं तो चलो थोड़े पीने में भी वीडियो वीडियो लेते हैं, रास्ते का भी थोड़ा। ये देख सकते हो भाई एक्टिवा चलाने दे दिए, अभी तो परफेक्ट ही चला रही है। और इस तरह भाई मतलब इतना मस्त है ना भाई, मतलब नेचर के बीच में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है हमें।
अली गाइस अभी हमें गाड़ी यहाँ पे रुकी है बिकॉज ये जो है दरापुरा है यहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। वे अली ले आ काटो आगे मन तो बराबर नो गाइस काटा लग चुका है यहाँ पे देख सकते। सो चलो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे नानी के घर पे चांसद की तरफ। और अभी इसके बीच में भी एक गांव आएगा जिसका नाम होगा पाटोद, तो उसके आगे दरापुरा है। तो चलो मैं आपको पूरा मतलब दिखाते हैं हम लोग आगे का सीन, लेट्स गो। अभी तो इसके बाल ही दिख रहे हैं ये जटिए है। आज मौसम भी देख सकते हो भाई कितना मस्त हो रहा है, एकदम लाइट पिंक कलर जैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हाईवे आ चुका है, देख सकते हो हमारा ब्रिज। ओके ये न्यू वाला जो ब्रिज बना है ना वो वाला है, और इसके नीचे जो बड़ा वाला हाईवे है ना ये, तो मैं आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ भाई। देख सकते हो इस तरफ पिंक थोड़ा सा हल्का हल्का सा पिंक दिखेगा आपको। गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुक चुके हैं बिकॉज मेरे को दिख चुका है, बस देख सकते हो भाई सामने का व्यू तो देखो भाई अल्टीमेट। देख सकते हो ये हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है, और इतना मतलब वीडियो में इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रहा, बट हाँ रियल में भाई नेक्स्ट लेवल ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे ये देख सकते हो पिद्दी लड़की जिसे चलानी नहीं आती पर फिर भी चलाने दे दी। तेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती पहले बोल दे, बिठाकर मैं की लेकर आई। नहीं अबे मैं कैसे बैठा था मेरे को बता, पूरे वो ब्लॉग में दिख रहा है वो तो। नहीं नहीं मेरे को पता है। हम फाइनली चांसद पहुंच चुके हैं नारायण सरोवर में, और सामने देख सकते हो भाई अंदर बहुत मस्त है। तो जा रहे थे नानी के घर पे, बीच में ये आता है तो सोचा चलो नारायण सरोवर दिखा देते आप लोगों को। तो बाय द वे किंजल अभी मेरे सामने भाई घर पे भी खाना बनाया यार, बहुत कुछ भी मतलब अभी घर पे जाके खाना है फिर भी इसे पूछना है। आइस देख सकते हो ये पूरा नारायण सरोवर है, ये अभी जश्न नया नया बनाया है, कितना मस्त है बाय द वे। और इस व्यू के साथ ना भाई मस्त लग रहा है, और भी मतलब अभी तो लाइटिंग नहीं है बट इधर फुहारे में सब जगह पे यहाँ पे लाइटिंग होती है रात को, तो बहुत मस्त लगता है। अरे ये लील है भाई, ये कितनी मस्त जगह है देख सकते हो, यहाँ पे फोटो शूट भी सब लोगों का चल रहा है, वरना मैं आपको दिखा देता यार। यहाँ पे पौधे भी देख सकते हो भाई कितने मस्त हैं, संतुष्टि में ना ऐसे पौधे लगाने चाहिए मेरे को भाई सच्ची में भाई। वे तेरे को व्यू कैसा लग रहा और वो वाला जो है ना नारायण सरोवर का पूरा हुआ है, मैं आगे जाकर आपको दिखाता हूँ। चलो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रुका है, बट अभी सॉरी हम लोग नारायण सरोवर में रुके और यहाँ पे आरती चल रही है स्वामीनारायण भगवान की, तो वहाँ पे कुछ कथा है सब मतलब यहाँ का उनका चल रहा है कुछ, तो आरती चल रही है तो जस्ट हमें यहाँ पे रुके हैं। और मेरे पीछे देख सकते हो ये क्या चीज़ है भाई, ये कितना मस्त है ना भाई, यहाँ पे झरना भी गिर रहा है आगे का, और लिटरली आगे का व्यू बहुत ज़्यादा मस्त है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे झरने भी है, तो ये तो घुस भी गई। ये देखो गाइस यहाँ पे पानी कितना मस्त है गाइस, ये लाइटिंग से ना बहुत मस्त लग रहा है। देखो यहाँ पे पूरे में लाइटिंग होती है, रात को भी मस्त लगता है भाई। ये देखो भाई हाँ 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 बिना मौसम के बारिश हो रही है यार, सच्ची में बहुत ही सुकून लग रहा है।
वहाँ पर नारायण सरोवर लिखा है और वहाँ पर देखो फुहारे चल रहे हैं और यहाँ पर आती और ये भाई इतना अच्छा, मतलब आप सोच सकते हो। गाइस अभी लाइटिंग नहीं चल रही है उस तरफ, इसलिए थोड़ा अंधेरा सा लग रहा होगा, बट वरना यहाँ पे सब जगह पे लाइटिंग लाइटिंग होती है। हाँ देख सकते हो ये कितना मस्त तो यहाँ पे झरना है और वहाँ पे नारायण सरोवर लिखा हुआ है, देख सकते हो भाई, ये देख सकते हो नारायण सरोवर, और वहाँ पे जो है ना वो स्नान गृह है, वहाँ पे नहा भी सकते हम लोग। गाइस देख सकते हो सामने का व्यू भाई, कितना अल्टीमेट व्यू लग रहा है अभी तो भाई, पूरी मतलब अंधेरा अंधेरा हो गया है। और देखो भाई चारों तरफ, ये देखो भाई चारों तरफ क्या व्यू है गाइस, अभी देख सकते हो, अभी यहाँ का व्यू नोटिस कर सकते हो ये लाइटिंग के साथ। देखो भाई ये देखो क्या व्यू आ रहा है भाई, एक नंबर। नीचे में भी देख सकते हो, ये देख सकते हो यहाँ पर भी लाइटिंग चल रही है, और भाई वो तो भाई एक नंबर लग रहा है नारायण सरोवर वाला। अभी मैं निकाल रहा हूँ गोप्रो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा फोटो शूट करना है ना, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा गोप्रो निकाल दे, उससे मस्त फोटो जाएंगे। ओके ये रहा देखो भाई कैसा हो गया है, इससे अभी फोटो शूट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो वेट कर रही है। चलो मैं फटाफट से बैग की चेन बंद कर देता हूँ, घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग जब चाहे वहाँ पे आ सकते हो हम तो भाई। ओके और यहाँ पे लाइव भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, देख सकते हो। बाय द वे अभी हम लोग जा रहे हैं नानी के घर पे, गाइस अभी हम लोग नानी के घर पे जा रहे हैं, तो चांसद में घूम लिया, अभी नानी के घर पे जाके खाना वाना खाएंगे, एडिटिंग करूँगा और सो जाऊँगा अपलोड करके, तो कल सुबह की देखते हैं सुबह में क्या करते हैं, सुबह में जॉब जाना है फिर। बाय द वे यहाँ पे लाइव चल रहा है, देख सकते हो इंस्टाग्राम पे इसका, अभी देख सकते हो कितनी ज़्यादा बाइकें पड़ी हुई है, तो आप जिस इस इधर से निकलोगे ना गेट से, तो उधर में आपको पार्किंग मिल जाएगी, और यहाँ पे एकदम पार्किंग भी गाड़ी भी आपको मतलब पार्किंग बेस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे विजिट कर सकते हो। और ये वडोदरा से भी थोड़ा नज़दीक ही है और पादरा से भी नज़दीक पड़ेगा अगर आप आना चाहो तो। ओके अभी तो तू चलेगा बाय द वे, चलो तो चाबी मिल गई, अभी हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज रात हो गई ना, तो मैं अभी किंजू को नहीं दे सकता गाड़ी चलाने, इसलिए गाइस अभी रात हो चुके हैं ना, तो किंजू को गाड़ी चलाना थोड़ा सेफ नहीं है। गाइस अभी हम नानी के घर पे आ चुके हैं और देख सकते हो, तो चांसेस ब्लॉग बनाने गए थे, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ नानी का घर। तो हम पहुँच गए नानी के घर पे, हाँ पहुँच गए हैं, ये हमारी नानी हमारे लिए खाना ग्रोसरी है, ये देख सकते हो हमारी नानी हमारे खाना निकाल रही है हमारे लिए। सौरभ ना अपने गांव जाता है ना, वैसे ही हम हमारे गाँव आए, मतलब नानी के। तो नानी ने खाना बना दिया है, नानी अभी खाना निकाल रही है हमारा। बाय द वे अंदर की साइड इस तरीके के रूम है और बाहर एक रूम है, आगे पूरी रूम है, मतलब इतना बड़ा घर है भाई। देखो हमारा घर तो इतना सा ही है, इतना सा एक रूम। गाइस हमारा खाना आ चुका है, तो आज दाल चावल है नानी के घर पे, तो खाना खाते हैं, पहले तो पानी पियेंगे भाई। हाँ। ये है रेडमी 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 फोन गाइस रेडमी की जगह पे रेडमी हो गया, देखो ये है रेडमी, दैट्स अ रेडमी फोन। सो गाइस अभी हमने फाइनली खाना खा लिया है और अभी मैं आपको थोड़ा घर का टूर दे देता हूँ, हमारे नानी का घर का। ओके गांव का देख सकते हो, सबसे पहली चीज़ ये एक रूम है और इस रूम में यहाँ पे एक सीढ़िया है जो ऊपर में जाती है, ऊपर अंधेरा है, ऊपर बिल्लियाँ रहती है वैसे तो, बैठते हैं इधर देख सकते हो, ये पुराने दरवाजे पुराने पहले ऐसे थे, ये देखो पहले के ज़माने के दरवाजे। और ये कितो यहाँ पे बैठ के नेट यूज़ कर रही है, बिकॉज यहीं पे 5G नेट आता है, नेटवर्क यहीं पे आता है, पूरे घर में आपको यहीं पे नेटवर्क मिलेगा, इसके अलावा कहीं पे भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। बेसिकली जो सौरभ जैसे जैसे टूर देता है ना गांव का ब्लॉग, मतलब मैं गांव की चीज़ें दिखाऊंगा आपको कि नहीं गांव में कैसा होता है और सिटी में किस तरीके का चीज़ होता है। ओके okay?